नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों और श्रोतागण, आप सबका स्वागत है द ग्रेट साइंस में। द ग्रेट साइंस के आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि ग्रेविटी क्या है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आज मैं आपको दूंगा। बहुत से लोग इस बारे में मुझे पूछते थे और इस बारे में अच्छे से समझाने के लिए मुझे कोई एक सही मौका नहीं मिला था, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली ग्रेविटी होता क्या है और ग्रेविटी के पीछे का कारण क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी को हिंदी में कहा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल है, और यह एक ऐसा बल है जिसमें कोई भी दो मास, कोई भी दो इंडिपेंडेंट मास हो, यदि वो किसी अंतरिक्ष के या तो फिर ऐसे अवस्था में हो जिसकी में उनकी एक निश्चित दूरी हो, एक निश्चित दूरी होने के साथ उनकी कोई ना कोई मास होगी। जैसे M1 है इस बड़े ऑब्जेक्ट का, M2 इस छोटे ऑब्जेक्ट का। अभी इस बड़े ऑब्जेक्ट को मैं लेता हूँ अर्थ, और ये छोटा ऑब्जेक्ट है, इमेजिन कर लो ये कोई मून है। अभी जो मून दिख रहा है वो मून नहीं, इसकी भी कोई मास होगी, इस ऑब्जेक्ट की भी कोई पोजीशन होगी, जिसके मैं O1 से डिनोट किया हूँ, इसको O2 से डिनोट किया हूँ, इसको M1 से और M2 से। इन दोनों के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को मैं D से डिनोट करता हूँ, ठीक है। अब इस ग्रेविटी को समझने के लिए ये तीन मानक को आप समझ लीजिए, ये और ये D। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और यदि आपको वाकई हमारा काम अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट M1 ये ऑब्जेक्ट है, M2 ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, इन दोनों के बीच में एक निश्चित दूरी है जिसको हम D से डिनोट करते हैं, ठीक। इस ऑब्जेक्ट के बीच में यदि कोई निश्चित दूरी है और एक निश्चित दूरी होने के साथ साथ इसमें कोई ना कोई मास है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के मास को हम पहचानेंगे ग्रेविटी के माध्यम से। ग्रेविटी के सिद्धांत को समझने के पहले आपको कैपलर्स लॉ के बारे में थोड़े से एक संक्षिप्त में बता दूं। कैपलर्स वो पहले महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने, कैपलर्स ने हमें प्लैनेटरी मोशन के बारे में समझाया, प्लैनेटरी मोशन के बारे में समझाया कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जैसे कि एक ग्रह, एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच में क्या रिलेशन है, आखिर ये इसकी चक्कर क्यों लगाता है, इस बारे में उन्होंने अपने कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के माध्यम से समझाया। इसके पश्चात हमारे जो न्यूटन महाशय हैं उन्होंने इसकी इसी थ्योरी को सिद्धांत पर लेकर के अपनी इस थ्योरी को आगे बढ़ाया, और उन्होंने दुनिया के सामने ला दिया लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी बाय न्यूटन। जैसे न्यूटन ने इन्होंने समझाया था कि कैसे ग्रेविटी काम करते है, उसके पीछे का मकसद क्या है, और ये किस तरीके से लोगों को समझ में आ सकता है, तो उन्होंने समझाया, तो उन्होंने कुछ एक निश्चित सिद्धांत बनाए हैं। उस निश्चित सिद्धांत को मैं एक बार प्रतिपादित करूंगा, आप सबको शायद इस समय समझ में आ जाए। उन्होंने ये कहा कि कोई भी इंडिपेंडेंट मास, उन्होंने कहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सीधे शब्दों में कहें तो यदि कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट जिसका मास M1 है, M2 है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम कहेंगे D, और यदि इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा फोर्स जनरेट हो रहा है। अब ये कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में आज तक वैज्ञानिक अनजान है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट मास है तो उनके बीच में क्यों ऐसा गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है, इस चीज़ को आज तक समझाया नहीं जा सकता। लेकिन ये चीज़ कैसे पैदा होता है ये हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने अपने थ्योरी में समझाया था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस M1 M2, ये हो गया मास 1 मास 2, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, यहाँ पे हो गया इसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के बीच का स्क्वायर। यदि आप इन दोनों इक्वेशन को डिराइव कर लेंगे तो आपको मिलेगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन D स्क्वायर। ये हो जाता है यहाँ पे हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के एक फॉर्मूला जिन्होंने न्यूटन ने समझाया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन जी ने इन्हें समझाया था, लेकिन इस चीज़ के बारे में एक बार और डिटेल्स आपको बताना चाहूँगा कि जब इसको और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमें एक कैपिटल जी का मान लेना पड़ेगा। कैपिटल जी है यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका M1 M2 अपॉन D स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ये ऑपरेशंस के माध्यम से ये डिराइव हो गया यहाँ पे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ पे हम जी को कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये तो थी ऐसी जो सामान्य बात जो आपको आज समझ में आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में अब आपको मैं एक ऐसे बहुत चक्के करने वाले जानकारी बताने की कोशिश करूंगा जिसके बारे में शायद आज तक आप नहीं सुन पाए होंगे, और इसके बताने के बाद शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए, हमारे बुक में भी इस चीज़ को समझाया गया, लेकिन मेरा ये मकसद ये था कि आपको मैं एक ब्रीफ वे में समझाऊं कि कैसे एक बड़े ऑब्जेक्ट एक छोटे ऑब्जेक्ट को खींचता है अपनी ओर, या एक छोटा ऑब्जेक्ट भी खींचता है। ये डिपेंड करता है मास पे, M1 और M2 मास पे। इन दोनों की अगर बीच में कोई एक सर्टेन मास है तो जो जिसका मास ज़्यादा है वो छोटे वाले ऑब्जेक्ट को खींच सकता है, लेकिन इतने बड़े स्पेस में यदि एक बड़ा ऑब्जेक्ट छोटा ऑब्जेक्ट खींचता है तो ये खींचता ही नहीं, एक सर्टेन रेंज, जैसे ये ग्रेविटेशनल रेंज होते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेंज कहते हैं हम इसे, इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेंज में ये मास इसकी परिक्रमा करता है जिसको हम कहते हैं रिवोल्यूशन, जिसे कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हम समझेंगे। इसके बाद एक अगले वीडियो में डिटेल में बता दूंगा कि कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन होता क्या है, और उस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि क्यों इस दुनिया में आखिर ये सब चीज़ ऐसा एक दूसरे के निश्चित और प्रतिपादित गोल घूम रहा है। तो ग्रेविटी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है हम सबके लिए कि हम भले ही इस चीज़ के बारे में हर एक फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन ये क्यों होता है इस चीज़ को समझ पाना आज एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग समझते हैं कि स्मॉल जी, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन ये जो ग्रेविटी है, समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये हमारी धरती का सतह है, ठीक है, ये धरती के सतह में ये हमारा धरती है, अभी यहाँ पूरा पानी पानी से है, ये एक धरती का एक कोण है। यदि कोई उल्का पिंड या तो फिर कोई दूसरे बाहर से आने वाली वस्तु है हमारे वायुमंडल की सतह पे एंटर करता है, ये हमारे जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे वायुमंडल की सतह है। अब एक बहुत बड़ा उल्का पिंड हमारे यहाँ पे इसमें आने की कोशिश कर रहा है, ये उल्का पिंड इसमें आने की कोशिश करेगा, तो इस उल्का पिंड हर सेकेंड अगर हमारी धरती की सतह की तरफ आए तो उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी। एक्सेलरेशन को हम हिंदी में कहते हैं त्वरण कहते हैं, त्वरण, और ये त्वरण हर क्षण बढ़ता ही जाएगा, और ये क्षण बढ़ते 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 एक समय पर यहाँ पे टकराएगा। इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन बढ़ रही है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी समझ में आ गई, और स्मॉल जी और कैपिटल जी दोनों के बीच में एक फ़र्क है उसको मैं एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये, कैपिटल जी स्मॉल जी, ये आपका यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, ये आपका डिपेंड करता है ग्रेविटी पे और एक्सेलरेशन पे, ये आपका डिपेंड करता है, ये एकदम फिक्स्ड होता है, ये वेरी करता है सरफेस और ओरिएंटेशन पे। ये सब कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻¹¹, ठीक है, समझ में आ रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स। इसका वैल्यू होता है 9.81, ठीक है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आ गया, क्या बोलते हैं, SI पे, दोनों SI पे, ठीक है। ग्रेविटी पूरे यूनिवर्स में एक समान हो सकता है, बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो सकता है, ये वैरी करता है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये भी मास पे डिपेंड करता है, लेकिन ये अभी बहुत बड़ा एक विरोधाभास है, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड समझ में आया होगा कि ग्रेविटी और स्मॉल जी और कैपिटल जी में फ़र्क क्या है। अब एक मेरा प्रश्न है आप सभी से, आप इसका उत्तर जानते होंगे तो मुझे बताइएगा, और ये क्यों होता है इसके बारे में अभी किसी भी वैज्ञानिक ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। तो मेरा प्रश्न है आप सभी से, और इस चीज़ को मैं भी सोचने की कोशिश करता हूँ, यदि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के समाना के प्रारूप अगर एक चक्कर लगाता, परिक्रमा करता, तो ये तो कहलाता है रिवोल्यूशन, और इन दोनों के बीच के क्या रिलेशन कहलाते हैं ग्रेविटी, और ये ग्रेविटी के कारण ही इसका रिवोल्यूशन कर रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट से भी बड़ा ऑब्जेक्ट कुछ होगा सन, और ये सन के अराउंड ये भी चक्कर लगा रहा है और ये भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है। आप एक बार इमेजिन कीजिए कि कभी सन से भी बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, तो हमारा सन और उसके पूरी के पूरे तारामंडल एक साथ उस बड़े ऑब्जेक्ट के केंद्र के हिसाब से चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब मेरा प्रश्न यह है कि अगर ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं ये लोग, तो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी भी किसी एक केंद्र के हिसाब से चक्कर लगा रही होगी, ये पूरी के पूरे मिल्की वे गैलेक्सी भी किसी केंद्र के हिसाब से चक्कर लगा रही होगी, तो वो केंद्र कहाँ है और कैसे है। तो इसका मतलब यह कि ग्रेविटी कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगे बिल्कुल बताइएगा। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर वाकई आपको हमारा ये काम बिल्कुल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और उन सभी दोस्तों को भेजिएगा जो विज्ञान पे इंटरेस्ट रखते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।